बलरामपुर पुलिस अधीक्षक केशव कुमार के निर्देशन में जनपद में वृक्षों के अवैध कटान पर पूर्ण तरह अंकुश लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव व क्षेत्राधिकारी ललिया राधा रमन सिंह के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष हरैया अखिलेश कुमार पांडे के कुशल नेतृत्व में थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार पांडे, मय हमराही, उप निरीक्षक हौसला प्रसाद, हेड कांस्टेबल विनोद यादव, कांस्टेबल लक्ष्मण यादव, विश्वास यादव, मई वाहन सरकारी के देखभाल क्षेत्र में रात्रि गश्त थाना क्षेत्र में मामूर थे। जनपद श्रावस्ती वार्डर पर स्थित बैरियर चेकिंग पर तैनात हेड कांस्टेबल उपेंद्र कुमार यादव व कांस्टेबल सुरेश चंद्र तिवारी के साथ संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग के दौरान एक पिकअप पर लदी हुई 14 बोटा जंगली सागौन की लकड़ी सहित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर थाना स्थानीय थाने में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।